मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हरिश्चंद्र राउत स्कूल के पीछे कचरों के ढेर में एक नवजात शिशु बरामद किया गया है जिसकी मौत हो चुकी है। कचरे में बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल कचरा फेंकने वाले एक व्यक्ति ने एक नवजात शिशु को कचरों के ढेर में देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था। आखिर किसने मृत अवस्था में इस शिशु को कचरों में फेंक दिया है? पुलिस ने शिशु को ठाणे सिविल अस्पताल भेज दिया है और इस घटना से इलाके में काफ़ी दहशत है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिर कौन है इस शिशु के क्रूर माता पिता जो कचरों में इस शिशु को फेंक दिया। पुलिस स्थानीय CCTV फुटेज की भी मदद ले रही है। आखिर किसने कचरों में इस शिशु को फेंका है, साथ ही कुछ चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।